हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सबको पता है डीयू के एडमिशन स्टार्ट होने वाला है और आपने सीयूईटी दिया था। दोस्तों क्वेश्चन ये है, अगर आपने सीयूईटी दिया है बट आपका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, दैट मीन्स आप उतना स्कोर नहीं कर पाए हैं जितने आपके डीयू में एडमिशन हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे। दोस्तों मैं आज बताऊंगा आप बिना सीयूईटी के डीयू में कैसे एडमिशन लेना है आपको, उसके लिए क्या कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जिसके वजह से आपका डीयू का सपना भी पूरा हो जाएगा, उसके साथ साथ आपके सिलेबस यानी कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन के। उसके साथ और एक अच्छी बात यह है, जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे साथ साथ आपको जॉब भी मिल जाएगी। दोस्तों ये ऐसे कोर्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा, जिसको करने के बाद आपको फटाफट जॉब मिलने वाला है एंड ये करियर ओरिएंटेड है और ये ट्रेंडिंग भी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बेहतरीन और ट्रेंडिंग जो कोर्स चल रहा है वो है एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। आज के जमाने में सबके पास फोन, लैपटॉप सब कुछ है, बट ये जो कोर्स है ये ज्यादा ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि सबके पास, किसी के मोबाइल हैकिंग हो रहा है, किसी का कुछ भी हो रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग डिमांडिंग जॉब है और आज के नहीं आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जॉब आप जल्दी ले सकते हैं इसके लिए, चाहे पुलिस हो, CID हो, किसी में भी आप इसमें जा सकते हैं, तो इसको करना मत भूलना। दोस्तों उसके बाद अगर बात करूं और एक ट्रेंडिंग जॉब में जो चलता है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। किसके दोस्तों बात करता हूं मैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म आज के टाइम में एक और एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, दैट मींस और एक ट्रेंडिंग कोर्स है। अगर आप ये कर सकते हैं, इसके साथ साथ अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं कोई भी, वो सोने पे सुहागा जैसे बात हो जाएगा। तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म करने के बाद इसके बाद आप कोई भी एक लैंग्वेज कर लेना, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, जिसके वजह से आपके जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और जॉब तो पक्की है ही है दोस्तों। और एक अगर बात करूं दोस्तों, और एक बात है वो है एयर फ्रेट एंड टिकेटिंग एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, दैट मींस एयरपोर्ट मैनेजमेंट। आपको पता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन इतना अच्छे हो रहे हैं, एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है बहुत जगह में, हरियाणा में भी, हर जगह में भी, तो एयर फेयर एंड टिकेटिंग एयरपोर्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे जॉब निकलने वाला है। अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो इससे, देन आप कभी भी फ्री नहीं बैठ सकते, आप जॉब तो करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आपके अर्निंग भी हाई होगा और ये ट्रेंडिंग में भी होगा। आपको लगता है कि ग्रेजुएशन करना है फिर उसके बाद और क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, एयरपोर्ट मैनेजमेंट में आप जा सकते हो और इसमें सैलरी भी बहुत हाई होता है। अलॉन्ग विद अगर इसके साथ आप करते हो, आप फॉरेन भी जा सकते हो एयरफेयर और एयर टिकट मैनेजमेंट में, आप बाहर देश में भी जा सकते हो, सबसे बड़ी आप सऊदी अरब में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं वो, ठीक है, कहीं भी जा सकते हो ये कोर्स करने के बाद। दोस्तों और एक ट्रेंडिंग टॉपिक की अगर बात करूँ वो है हमारा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की जब बात करता हूँ, डॉक्टर की बात नहीं होता, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के मतलब डॉक्टर को छोड़ के बाकी सारे जो मैनेजमेंट होता है मेडिकल फैसिलिटीज में, वो सारे कोर्स होता है। ये भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल कोर्स है, इसको अगर करते हो तो आप ट्रेंडिंग में आओगे और आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। दोस्तों अब मैं साइंस वाले बच्चों की बात कर रहा था, अब थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को भी बात कर लेता हूँ, कॉमर्स वाले बच्चों को भी बात कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हो आप मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन। दोस्तों मास कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको भी पता होगा, मास कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जो एक मतलब बड़ा इम्पैक्ट करता है सोसाइटी में। अभी आपने हाल ही में देखा होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो वीडियो लीक हुआ था, वो मीडिया की वजह से इतना फ्लो हो गया। दोस्तों ये है कि अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये सिलेबस कर रहे हो, ये कोर्स कर रहे हो, देन आपके जॉब सिक्योर तो होता है और इसके में पैसे, इनकम लेवल आप काउंट नहीं कर सकते कितना हाई हो सकता है, बट विद टाइम आप अपना खुद का भी ओपन कर सकते हो, न्यूज चैनल कुछ भी आप कर सकते हो। तो मास कम्युनिकेशन एक ट्रेंडिंग में आने वाला है, आगे भी रहेगा, जिंदगी भर रहेगा ही रहेगा ये सोशल मीडिया वाला। दोस्तों और एक पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ज्यादा आजकल आरजे नावत देख रहे हो, ठीक है, आरजे राघव देख रहे हो, स्वाति देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, ये इन सबसे फेमस हुए हैं वो सारे किसके लिए, ना रेडियो जॉकी कोर्स करके और क्या करके, ना एंकरिंग करके टीवी सीरियल में कहीं भी देखते हो, ये आज के टाइम में जो यूथ है उनके लिए बहुत बड़े ट्रेंडिंग में आ रहा है ये चीजें। अगर आप कर रहे हो तो ये कोर्स आप खाली नहीं बैठ सकते, अर्निंग आपके लिए बहुत ज्यादा होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओगे आप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी में भी होगा, इसके लिए आप कर सकते हो। ये ट्रेंडिंग टॉपिक और एक है जो मैं आपके लिए दिया अभी यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों और एक बेहतरीन मैनेजमेंट टॉपिक लाया हूं जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए, वो है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशनशिप जो कोर्स होता है, ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है, अगर इसको आप करते हो दैट मीन्स आपने मूवी भी देखा होगा, बहुत सारे मूवी इसमें भी बेस्ट है, रणवीर सिंह का देखा होगा मूवी इसमें है। क्या है ना, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो उसमें बहुत ज्यादा पैसे है,
एक इवेंट मैनेजमेंट का कर दो बड़े इवेंट, तो आपको 15 लाख 20 लाख रुपए इनकम हो जाएगा आपका। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने माहिर हो सकते हैं। तो इसलिए इवेंट मैनेजमेंट जो पब्लिक रिलेशनशिप जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये बहुत हाई लेवल कोर्स है। अगर इसको आप करते हैं तो आपका इनकम बहुत ज्यादा होगा। और ये ट्रेंडिंग में सब चाहते हैं, अपना जो मैरिज है कहीं पे अलग जगह में कराए, कोई पे हॉल में कराए, कोई पे लॉन में कराए, कोई होटल में कराए, तो वहां पे मैनेजमेंट के लिए पैसे देते हैं, खुद अरेंज कुछ नहीं करते। ये इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, प्लानर्स होते हैं, वो सारे काम करते हैं। अगर आप इसको कर रहे हो तो आप खाली नहीं बैठ सकते दोस्तों। और एक कोर्स करता हूँ जो कि आपके टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में अगर इसकी बात ना करूं तो कोई फायदा ही नहीं है, तो वो है वेब डिजाइनिंग। अगर आपको वेब डिजाइनिंग कोर्स आता है देन आप क्या क्या नहीं कर सकते, इसमें अनलिमिटेड पैसे। आपको डिजिटल मार्केटिंग के टाइम में अगर वेब डिजाइन कोर्स आप कर लेते हो, बहुत हाई लेवल की इनकम करोगे। और सोचिए आप 21 साल के होते होते इनकम करना स्टार्ट कर दोगे, इवन इफ आप जैसे ही वेब डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट करते हो उसके बाद भी पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, तो वेब डिजाइनिंग और एक हाई लेवल के इनकम कोर्स है दोस्तों। उसके बाद बात करूं, सब आज के फैशन के दौर पे इंटीरियर डिजाइन की बात कौन नहीं करता, तो ये अनदर कोर्स है इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर आप ये करते हो, अगर इसमें मास्टरी कर लेते हो, देन इसमें पैसे बहुत हाई लेवल के हैं। और ये भी आप ड्यू से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर के साथ साथ भी दूसरों घर को आप ऐसा डेकोरेट करके अर्निंग भी कर सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों आज के टाइम में हम सब, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड एज हो, किसी भी एज में हो, सब चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट अलग लेवल पे हो। वो इन्वेस्टमेंट तब बढ़ेगा जब हम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी या कुछ भी हो, हर जगह हम क्या करते हैं, अपना पैसा डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं, अलग विद लॉन्ग टर्म भी गेन करना चाहते हैं। एंड फाइनेंशियल मार्केट इस चीज को हमें सपोर्ट करता है। आप स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, स्टॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, देन आपका इनकम बहुत हाई होगा, ये भी आप सबको पता है। डिजिटल मार्केटिंग टाइम में आज एक नया टर्म जो था डिजिटल करेंसी चल रहा है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा पैसे इनकम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आता है इंस्टाग्राम वगैरह में, उसमें से एक कोर्स और ज्यादा ट्रेंडिंग में आता है जिसके बारे में आप सबको पता होगा, एक्टिंग एंड फैशन मॉडलिंग। दोस्तों आज के टाइम में आप देखो इंस्टाग्राम में रील्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वहां पे बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, उससे उनको पैसे इनकम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो एक्टिंग एंड फैशन मॉडलिंग हमेशा से ट्रेंडिंग में रहा है, बट आज के टाइम में थोड़ा ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है। अगर आप ये कोर्स करते हैं देन इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं बहुत हाई लेवल पे। एलन विद जो फेम होगा वो अलग है, आपको वर्ल्ड वाइड पे जानेंगे, इंडिया पूरे हर जगह जानेंगे। तो अगर आपका एक्टिंग स्किल अच्छा है, फैशन डिजाइनिंग में अच्छा है, मॉडलिंग में अच्छा है, देन आप ये कोर्स करके आप फेम के साथ साथ अर्निंग भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो और एक बारे में बात करता हूँ, और एक जो ट्रेंडिंग में चलता है फोटोग्राफी। इस कोर्स को करते हो लगता है कि इसमें पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा है। फोटोग्राफी अगर आप करते हो, ना कि इंडिया के बेसिस पे, वर्ल्ड बेसिस पे भी आप कर सकते हो, जो बड़े बड़े फोटोग्राफर है उनके साथ काम कर सकते हो वो। और आपको पता है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारा, और डिस्कवरी चैनल में आप इस वहां फोटोग्राफी करके बहुत अच्छे कमा सकते हो। बट हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होगा आपका, क्योंकि इसमें जो पैसे आता है, आपका कैमरा वगैरह आता है, लेंसेस वगैरह आते हैं, बट हाई होता है, कोर्स थोड़ा सा महंगी है, बट जब कर लोगे तो ये आसान हो जाएगा। और एक बेहतरीन कोर्स जो सबको चाहिए ये कोर्स, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों ये हर जगह नीड पड़ता है, आपका पर्सनल लाइफ में भी और आपका पब्लिक में भी, आप किससे कैसे बात करेंगे, स्कूल में भी कॉलेज में भी, ये कोर्स हर जगह इंट्रोड्यूशन होता है। अगर आप ये कोर्स करते हैं आप खाली नहीं बैठ सकते, आप खुद के लाइफ को डेवलप करेंगे, सराउंडिंग भी लाइफ डेवलपमेंट करेंगे, एनवायरनमेंट भी चेंज करेंगे, अपना फैमिली भी चेंज करेंगे, अलग विद फ्रेंड सर्कल सबको आप चेंज करेंगे। सोचिए कितना बढ़िया कोर्स है ये। अगर आप ये करते हो तो आपका जॉब तो पक्का है ही है, स्कूल में कॉलेजेस में कहीं भी जाओगे, पर्सनल डेवलपमेंट क्लास आजकल हर जगह चलता है, कोई कुछ भी आता है पीडी चेंज करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये कोर्स बहुत हाई लेवल के कोर्स है दोस्तों। ये जो सारे आपने कोर्स देखा होगा, आपको लगा होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, दोस्तों ये बिना सीयूटी के आप ये सारे कोर्स कर सकते हो। इसको बोलते हैं डीयू का सर्टिफिकेट कोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डीयू का सर्टिफिकेट कोर्स। और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों 30 सितंबर 2022 तक है। आप इसको जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। किसमें रजिस्ट्रेशन करना? http://coldu.ac.in/course.php। इसमें अगर आप करते हो, बहुत सारे ड्यू के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, आप अर्निंग बहुत अच्छे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मैं बता देता हूँ, ये बिना सीयूटी का आपका हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा अलग विद, आप अर्निंग भी बहुत हाई लेवल के कर सकते हो।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे कोर्स है, बट ये सारे ट्रेंडिंग में है जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।